हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। मैं हूं अनुमिहा और आप देख रहे हैं स्टडी फिट। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं इंग्लैंड में शारीरिक शिक्षा की इतिहास के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने यूनान, रोम, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क के इतिहास के बारे में फुल डिटेल में बात कर चुकी हूँ। तो आज का टॉपिक है इंग्लैंड में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। दोस्तों, इसमें मैं ये वही बात करूँगी जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फालतू चीज़ों को इसमें मैं ऐड नहीं की हूँ, तो एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ इसमें मिलेगा। तो दोस्तों, हेनरी द्वितीय के काल से अंग्रेज युवक जो है वो कुश्ती, घुड़सवारी, मछली पकड़ने, शिकार, तैराकी, फेंकने की क्रीड़ाएँ, बर्फ पर फिसलना, नाव चलाना, तीरंदाजी आदि में अपना शारीरिक व्यायाम करते रहे। बहुत पहले ज़माने से इंग्लैंड में ये सब होता है। बाद में यहाँ पे अंग्रेज लोग आए भारत में, तो भारत में भी ये सब सिखाए। फुटबॉल तथा क्रिकेट इंग्लैंड में बहुत पुराने ज़माने से खेला जाता है। क्रिकेट जो है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। इंग्लैंड में हॉकी का खेल 15वीं शताब्दी में तथा गोल्फ का खेल 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। दोस्तों, इंग्लैंड के इतिहास में आर्चिबाल्ड मैक्लेरी ने 1820 से 84 इन्हीं का जिक्र होता है, तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो शारीरिक शिक्षा के प्रसार में, इंग्लैंड में शारीरिक शिक्षा के प्रसार में इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया आर्चिबाल्ड मैक्लेरी ने, और तलवारबाजी तथा जिम्नास्टिक को अंग्रेज लोगों तक पहुंचाने में इन्होंने महान प्रयास किया। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे मैक्लेरिन के संबंध में कि उन्होंने जिम्नास्टिक प्रक्रिया की सैनिक प्रणाली ए मिनिस्ट्री सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक एक्सरसाइज की पुस्तक लिखी, जो सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए इनका बुक बहुत ही सराहनीय हुआ, बहुत ही लोगों को लाभदायक हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जिम्नास्टिक प्रक्रिया की सैनिक प्रणाली यानी ए मिनिस्ट्री सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक एक्सरसाइज की रचना किसने की और किस काल में की? तो आर्चिबाल्ड मैक्लेरिन ने, इंग्लैंड के इतिहास में इनका जिक्र होता है। अगला है, शारीरिक शिक्षा को प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य विषय के रूप में आरंभ करने का यत्न 1885 ईस्वी में किया गया इंग्लैंड में, और शारीरिक प्रशिक्षण रॉयल कमीशन 1930 यानी रॉयल कमीशन ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग तथा शारीरिक उन्नति की अंतर विभागीय समिति इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी ऑफ फिजिकल डिटेरियरेशन 1904 ने सुझाव दिया कि पाठशाला में व्यायाम क्षेत्रों तथा जिम्नास्टिक उपकरणों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे योग्य प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का प्रबंध हो सके। और 1940 ईस्वी में शिक्षा बोर्ड ने, यानी वहाँ की शिक्षा बोर्ड ने विद्यालयों के लिए शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम को अधिकृत रूप में प्रकाशित किया। नेक्स्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्काउट गाइड की शुरुआत कहाँ हुई थी, यानी कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड से हुई थी। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो स्काउट गाइड के पितामह कहे जाने वाले रॉबर्ट स्टीफन्स स्मिथ बैडन पॉवेल द्वारा शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पे इस पार्ट में 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट है कि जिम्नास्टिक प्रक्रिया की सैनिक प्रणाली पुस्तक की रचना किसने की? तो आर्चिबाल्ड मैक्लेरिन ने। किसमें सहाय हुआ? सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए बुक बहुत ही सराहनीय हुआ था। और एक क्वेश्चन, उनका राष्ट्रीय खेल क्या है इंग्लैंड का? तो क्रिकेट है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि स्काउट गाइड की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड से हुई थी। किसने किया था? तो रॉबर्ट स्टीफन्स स्मिथ बैडन पॉवेल, जो स्काउट गाइड के पितामह कहे जाते हैं, उन्होंने 1908 में किया। और उसके बाद भारत में भी एनी बेसेंट ने 1911 में लाया था। तो यही इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को बस नोट कर लीजिए, वही पढ़िए जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इससे आगे की वीडियो में मैं संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, रूस के इतिहास के बारे में बात करूंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।